हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अभिषेक ठाकुर और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आईपीएच डिवीजन नूरपुर में हो रही भर्ती के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले से बता दूँ आपको, ये भर्ती हो रही है पैरा फिटर के लिए, पैरा पंप ऑपरेटर और मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए। जल शक्ति डिवीजन नूरपुर की ये भर्ती है। इसके लिए वैकेंसीज़ की अगर बात करें तो पंप ऑपरेटर की हैं 15 वैकेंसीज़, जिसके लिए 4,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। पैराफिटर की 4 वैकेंसीज़ और मल्टीपर्पज़ वर्कर की 27 वैकेंसीज, सैलरी रहेगी 3,000 रुपये। एज रहेगी इसके लिए 18 से 45 साल के बीच में। और इसके लिए जो आपको अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो रहेगी 4 अगस्त 2020। और आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भेजना होगा ऑफिस ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीजन नूरपुर। और इसके लिए आप परफॉर्मा जो है ले सकते हैं डिविजनल ऑफिस जो नूरपुर में है, या फिर सब डिवीज़न नूरपुर और जसूर से। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आप 10th पास होने चाहिए और फिटर या फिर प्लम्बर ट्रेड का सर्टिफिकेट आईटीआई का होना चाहिए अगर आप पैरा फिटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर अगर आप पैरा पंप ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10th पास होने चाहिए, आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, पंप मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक का, या फिर अगर आप 10th पास हैं और आपके पास स्किल डेवलपमेंट स्कीम ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत जो है सर्टिफिकेट है इन ट्रेड्स में से किसी एक ट्रेड का, तब भी आप एलिजिबल रहेंगे। और मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए आप जो है 8th पास होने चाहिए तो आप इस पोस्ट के लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए और वेटेज जो है बीपीएल कैंडिडेट्स को दी जाएगी जो बिलोंग करते हैं बीपीएल फैमिली से। और जो एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है इस फील्ड से रिलेटेड, इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के रिगार्डिंग आपका कोई अगर जो एक्सपीरियंस है वो अगर आपका है जल शक्ति विभाग का, या फिर HPPWD, या फिर CPWD, या फिर PSUs का, या फिर आउटसोर्सिंग एजेंसीज का जो प्रोवाइड करवाती हैं सर्विसेज HP जल शक्ति विभाग में, तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, उसकी वेटेज आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो सारे सर्टिफिकेट आपको लगाने होंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाना चाहिए 4 अगस्त 2020 से पहले पहले। तो ये था गाइस आज की इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।